तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ बिन बुलाई शादी में। और भाई देखो कपड़े वपड़े सब रेडी हैं। सो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बढ़िया होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। तो भाई आज का व्लॉग हो रहा है काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट, बिकॉज़ भाई देखो शाम के 5:30 बज चुके हैं एंड मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बिकॉज़ इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई कॉलेज से आने में हो गया आज काफ़ी ज़्यादा लेट, बिकॉज़ पेपर भी लेट स्टार्ट हुआ था। मतलब 2:30 से लेकर 4 बजे तक का था, बट मतलब कि पेपर ही 3 बजे स्टार्ट हुआ एंड देने में ही लेट हो गया, तो उसके बाद आने में बस भी नहीं मिली। सो उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो फिलहाल अभी तो मैं घर पर आ चुका हूँ एंड मतलब कि कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है एंड पेपर्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। मेन बात तो यही है एंड मतलब कि आने वाले दिनों में हम करेंगे आउटडोर व्लॉग्स, जो डेली आउटडोर व्लॉग्स मैं नहीं कर सकता बिकॉज़ क्योंकि 5:30 तो मुझे भाई साहब घर आते आते हो जाते हैं एंड उसके बाद घर के भी थोड़े बहुत काम होते हैं एंड उसके बाद कॉलेज का भी काम करना होता है, ऊपर से भाई व्लॉग नहीं बन पाता उस वजह से। सो मतलब कि छुट्टी वाले दिन ही बनाया जाता है अच्छे से आउटडोर व्लॉग। तो भाई जाएंगे, तो भाई आने वाले 2 दिनों में छुट्टी है, मतलब सैटरडे संडे है तो छुट्टी है, तो जाएंगे। सुमित से पूछते हैं पहले, तो भाई आने वाले 2 दिन लगातार कहाँ पे जाना है, कहाँ पे हमारी प्लानिंग है। तो फिलहाल चलते हैं, अभी तो मेरे को जाना है कहीं काम से, तो फिर आऊँगा ना वहाँ से, तो उसके बाद सीधा सुमित के पास चलेंगे एंड वहीं पे पूछेंगे उससे कि भाई कहाँ जाना है। तो भाई हम आ गए सुमित के पास। हाँ जी सर, बताओ। मैंने पब्लिक को बोला है कि हम आने वाले 2 दिन लगातार जाएंगे, मतलब कि व्लॉग बनाने आउटडोर, तो कहाँ कहाँ जाना है? अच्छा बतानी नहीं लोकेशन, बस वो तो बाद में पता चलेगा कल, बस जाएंगे इतना बता दे हाँ या ना। दोनों दिन लगातार, सैटरडे संडे। और एक बार बताऊँ क्या, जाली अपना टोल का काम भी चल रहा था। हाँ, ये जो बाहर चल रहा है सुबह नहीं, सुबह से पानी निकाल रहे थे, गंदा पानी तो निकल गया सारा। तो जब साफ पानी आया ना, लोग पता कैसे नहाने लग गए, इसके नीचे बैठ के सारे अपने अपनी बाइक का लेके आए थे, उन्होंने नीचे गोली भी नहाया और लग से नए कपड़े डाल रखे थे। अभी आया था मामा के घर से, अमन लेके वहीं खड़ा था उसके पास, मल्कि ने लिया उसको यूं गोदी में और उसके टुवेल के नीचे दे दिया उसको, उसके टुवेल के नीचे दे दिया उसको, वो भी पूरा भीग गया। आज तो बहुत मजा करोगे तुमने फिर आना। मैं तो रह गया यार इन सब चीज़ों से, कहाँ मेरे को टाइम मिलता है यार, कॉलेज में ही फंस जाता हूँ मैं। ये वाला टूवेल है जिसकी ये बात कर रहा था, जिसमें लोग सुबह नहा रहे थे। तो भाई अभी हम लोग आए थे यहाँ पे घूमने, और तो मतलब कल जहाँ जा रहे हैं ना हम, तो वहाँ पे जाने की हमारी सारी प्लानिंग हमने कर ली है कि भाई कितने बजे जाना है एंड एक जगह तो मैंने शायद आपको बता भी रखी है पहले व्लॉग में कि हम कहाँ जाने वाले हैं एक्चुअली। सो अभी नहीं बताऊँगा मैं, आप गेस कर सकते हो अगर करना है तो कमेंट सेक्शन में। तो भाई मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग जगह, 2 जगह जाएंगे हम एक दिन में नहीं जाएंगे, मतलब एक सैटरडे एंड एक संडे। सो फिलहाल तो इस जगह को चेक करें आप भाई, कितनी मस्त है एंड पीछे सनसेट। एक्चुअली मैं अभी जहाँ से जा रहा था ना, तो मैंने जो क्लिप्स बनाई थी एंड मैंने उसकी ऑडियो चेक करी ना, सो उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी एंड भाई ये लीड मतलब कि जो माइक है ना, ये जो मैंने लगा रखा है, सो मतलब कि इसकी वॉइस कट हो जाती है कभी कभी, सो उसी वजह से मेरे ब्लॉग ढंग से नहीं बन पाते हैं। तो मतलब कि एक और चीज़ मैंने मतलब कि कल बताऊँगा क्या है, तो कल और एक और सरप्राइज है साथ के साथ, घूमने के साथ भी और एक और सरप्राइज है साथ में, तो वो भी आपको कल ही पता चलेगा। फिलहाल तो चलते हैं घर पे। सो गाइस मुझे ना यही रास्ता बहुत बढ़िया लगता है अपने घर पे जाते हुए, क्योंकि भाई दोनों साइड पेड़ हैं, इस साइड भी इस साइड भी, बट जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो मतलब और भी सुंदर लगेगी ये जगह। सो भाई अभी हो गई है रात एंड अभी मैं आ चुका हूँ घूम घूम के घर पे। अभी बजे हैं 7:30 एंड अब मेरा टाइम हो चुका है थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करने का। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ बिन बुलाई शादी में, मतलब कि अभी से कहना तो उसके किसी दोस्त की शादी है, तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ साथ में, उसी ने कहा एक्चुअली कि भाई चल ले। और भाई देखो कपड़े वपड़े सब रेडी हैं अपने, तो फटाफट से डालते हैं एंड अपने इस माइक का सेटअप करते हैं और उसके बाद चलते हैं फटाफट से, खा के आ जाएंगे। तो अभी भाई मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी एंड चलते हैं फटाफट से, वहीं पर मिलता हूँ मैं आपसे, क्योंकि भाई अभी थोड़े बहुत और भी काम है तो वो करके फटाफट से चलेंगे। तो भाई अभी शादी में जाने से पहले हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत घूमने आए थे, सारे आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं अभी चलता हूँ और प्रियांशु भी आ चुका है। Later in the void. So भाई अभी मैं घर पे आ चुका हूँ मतलब शादी वादी से होके एंड मतलब कि वहाँ पे मैंने शूट नहीं करा क्योंकि भाई पीछे से बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो उस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया एंड भाई मैं घर आया तो चेक करें कि भाई सारे मेहमान चले गए हैं एंड तो फिलहाल अभी मुझे भी करनी है एडिटिंग एंड काफ़ी ज़्यादा काम भी है, तो फिलहाल अभी व्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड एंड ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक मार देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब मार लेना। सो गाइज मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। I'm
not chill.